एक प्रॉपर जो चीज है ना, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कह लेंगे आप इसे, या फिर आप इसे कम्युनिकेशन स्किल्स कहेंगे, ये जो एक सारी चीज है ना, ये सारी बेस करती है आपके नॉलेज, कॉन्फिडेंस, टेम्परामेंट, पैशन पर। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है कि आपने अपनी थॉट्स को इम्पावर करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके माइंड में जो चल रहा है वो किस वे में, अगर आप उसको उसके साथ चलो तो वो किस वे में लेकर जाएगा। ये थॉट्स भी हो सकती हैं, फीलिंग्स भी हो सकती हैं, कोई फिजिकल पावर भी हो सकती है। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों को रूल करना है, हुकूमत करनी है अपने दिमाग पर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि जो रूल नंबर टू है थिंग्स टू थिंक फर्स्ट में, उसमें क्या आएगा कि हमारा जो आउटर सेल्फ है ना, किसी ने कोई क्वेश्चन किया है क्या? नो मैम। ओके, किसी का क्वेश्चन हुआ तो हैंड रेज कर लीजिएगा, ऑप्शन आता है यहाँ पर, थ्री डॉट्स पर टच करेंगी ना तो फिर मैं देख लूंगी इंशाल्लाह। ओके, सो सेकंड रूल इज हमारा जो आउटर सेल्फ है हमने उसको परफेक्टली प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ आवर सोसाइटी, आवर फैमिली, आवर फ्रेंड, सबके सामने। ठीक है, और अपने जो एक्सप्रेशन हैं हमारे, हमारा बोलना, हमारा चलना फिरना, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी थॉट्स, इन सब चीज़ों को हमने जब इम्पावर करना है ना, तो हमने एक अच्छे वे में इनको लेकर चलना है। वो कैसे, जैसे कहते हैं ना, बड़ी किसी की सोबर पर्सनैलिटी है और अपने तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने सेकंड रूल भी पढ़ लिया कि हमने अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को और जो एक्सप्रेशन था उन सबको एक परफेक्ट वे में लेकर चलना। ये ऐसा ऐसा आप सीखोगे, जो रूल्स मैं बता रही हूँ ना, ये उस पर अप्लाई कैसे करने हैं, आपने उसको कैसे ग्रूम करना है, वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ठीक है, अब क्या कहते हैं हम कि हम ये दोनों रूल्स लेते हैं कि हमने अपने माइंड को एम्पावर करना है, दूसरा हमने आपकी, हमने अपनी फिजिकल जो सारी अपीयरेंस है उसको एक अच्छे वे में लेकर चलना। ये दो रूल्स हमने लिख लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे थिंक टू थिंक फर्स्ट में, वो ये होगी कि हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है वो क्या है, वो पता है क्या है। हम जो है ना, एक चीज के लिए जब हम स्टेप ले रहे हैं ना, फर्स्ट करें आप आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के लिए स्टेप ले रहे हो, आप उसको सीख रहे हो, तो उसमें आपने बैकआउट नहीं करना, आपने हारना नहीं है। क्यों नहीं हारना, क्यों? क्योंकि जब एक चीज होती है मुश्किल, उसके लिए स्टेप ले लेना ही मुश्किल चीज होती है। उसके बाद अगर हमारी नीयत अच्छी हो, हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा हो, तो हम उस चीज़ को अच्छे से लेकर चल जाते हैं। ठीक है, अब हमने थर्ड प्रिंसिपल जो ये अपनाना है कि हमने छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। और आई थिंक आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के वर्ड से और कम्युनिकेशन स्किल्स के वर्ड से ही आपको समझ आनी चाहिए कि आपको बोलना है, सिंपली बोलना है। मतलब लिख लें कहीं पे, रख लें, रट लें इसको कि आपको बोलना है, फिर आप कुछ कर सकोगे। आप हजार क्लासेस लेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेनी टीचर्स हैव बिगन विद द हाउ, मतलब बहुत सी टीचर्स जो हैं वो अपना, अगर फर्ज करें मैं हूँ, मैं अगर टीचिंग के प्रोफेशन की तरफ जा रही हूँ, मैंने स्टडीज कंप्लीट कर ली हैं, मैं भी टीचिंग के लिए जा रही हूँ, मुझे नहीं आता करना, मैं खुद से भी यही क्वेश्चन करूँगी कि ये सब मैं कैसे करूँगी, मैं टीचिंग कैसे करूँगी। हम एक प्रोफेशन को अज्यूम कर रहे हैं टीचिंग को, तो वो जो हाउ का आंसर है ना, उसका आंसर हमें वो चीज़ करके पता चलेगा, एक्सपीरियंस से पता चलेगा। ठीक है, तो हर चीज़ बेस करती है कि आपकी नीयत कैसी है। द फर्स्ट थिंग फॉर द बिगिनर इन पब्लिक स्पीकिंग इज टू स्पीक, नॉट टू स्टडी वॉइस एंड जेस्चर एंड द रेस्ट। आपने कुछ छोड़ नहीं देखना, आपने सबसे पहले जो चीज़ स्टडी करनी है ना, वो है वॉइस को। नेक्स्ट जो है, वंस हैज बीन हैज spoken, he can improve himself by self-observation or according to the criticism of those who hear. जब एक दफा आप बोलते हैं तो दूसरा जो इंसान आपको सुन रहा है, उनके रिएक्शन से, उनके कॉम्प्लीमेंट्स,
से जान लेना है आपने कि आप वर्किंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आपको अभी माइंड सेट आपने बनाना है, आपने अभी स्केच बनाना है अपने माइंड में, ठीक है, कि मुझे इस तरह से काम करना है। मेरी फ्लाइट है, अकेली जा रही, एक मिनट। तो नेक्स्ट वन इज, बट हाउ शैल यू बी एबल टू क्रिटिसाइज हिमसेल्फ। अच्छा, दो चीजें हैं, एक आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है, जाहिर है जब इंसान कोई उभर रहा होता है उसको लोगों ने क्रिटिसाइज करना है, दूसरा आपने उनकी क्रिटिसिज्म को इग्नोर करना है, ठीक है, लेकिन आपने उसको क्रिटिसाइज जरूर करना है। कभी भी इंसान ये नहीं सोचे उसके लिए कि आई एम परफेक्ट, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हमें हर वक्त सीखना, किसी चीज को सीखने की जरूरत रहती है, एक हमारी लाइफ में रूम रहता है जहाँ पर हमें सीखना जाना पड़ता है, ठीक है। सिंपली कैसे आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे इसका मैं आंसर बताने लगी, सिंपली बाय फाइंडिंग आउट थ्री थिंग्स, व्हाट आर दी क्वालिटीज व्हिच बाय कॉमन कंसेंट गो टू मेक अप एन इफेक्टिव स्पीकर, बाय व्हाट मींस एट लीस्ट सम ऑफ दीस क्वालिटीज मे बी एक्वायर्ड, एंड व्हाट रॉन्ग हैबिट्स ऑफ स्पीच इन हिमसेल्फ वर्क अगेंस्ट हिज एक्वायरिंग एंड यूजिंग द क्वालिटीज व्हिच ही फाइंड्स टू बी गुड। पहली चीज क्या है, आपने मुझसे क्वेश्चन करना है कि वो कौन सा एक कॉमन मतलब क्वालिटी है जो कि आपको अडॉप्ट करनी है जो कि इफेक्टिव रहेगी स्पीकर के लिए। दूसरी चीज क्या है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनसे आप ये क्वालिटी जल्दी अच्छे से परफेक्टली एक्वायर कर सकते हो। थर्ड वन इज, वो कौन सी बुरी हैबिट्स हैं स्पीच के दौरान जो मैं करती हूँ या मैं करता हूँ, वो कैसे मुझे छोड़नी है और वो हैबिट्स हैं क्या, ठीक है। तो लास्ट पर ये है कि आपको स्पीक स्पीक एंड स्पीक का जो एक टैगलाइन है ना अपने माइंड में सेट करनी है, एज यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें, ये सारे मेथड्स ऑन करने हैं, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आने हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स आप इकट्ठे करें अपने माइंड में, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को आप एक्सपीरियंस के बेस पर नेक्स्ट लेकर चलोगे, ओके। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अब है थिंग्स टू थिंक फर्स्ट में एक फॉरवर्डेड क्या चीज होती है, इसमें यह चीज होती है कि ओके, सो नाउ एट द वेरी फर्स्ट लेट इट बी एज क्लियर एज लाइट दैट मेथड्स आर सेकेंडरी मेथड्स। क्या कह रही हूँ मैं कि सबसे पहले आप ये चीज जानने के जो तरीकेकार है, जो असूल है, जो सारा कुछ मैं आपको बता रही हूँ, ये सेकेंडरी चीजें हैं, सेकेंडरी। लेकिन प्राइमरी क्या है, आपका माइंड प्रिपेयर होना, आपका माइंड फ्रेश होना, आपका माइंड अपनी जो डायरेक्शन है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसमें प्रॉपर वे में चलना, ठीक है, आपका वार्म हार्ट, आपको जज्बा रखना है आपने अपने दिल में, ठीक है, ये चीजें हैं प्राइमरी। उसके बाद आप मेरी चीजों को सुनो, उनको अडॉप्ट करो, उनको सेव करो, उनके अपने पास रखो, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करो, बोलो अपनी फैमिली से, बोलो ठीक है, अपने फ्रेंड्स के सामने बोलो। उसके बाद आप क्लास ग्रुप में, हर क्लास में होता है ना फ्रेंड्स का ग्रुप, उनके साथ बैठ के चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करो कि आपको खुद पता चल रहा होता है कि आप कहाँ पर मार खा रहे हो और कहाँ पर आप अच्छा कर रहे हो, ये चीज इंसान खुद जान रहा होता है, इस चीज को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज होती है जो कि हमें देखना पड़ता है, जैसे कि इंसान है ना उसकी क्लोदिंग होती है, हम इंसान है, हम जो कपड़े पहनते हैं ना हमें पता होता है कि ये चीज अगर नई मैंने पहनी हुई है ना तो ये अच्छी लगेगी, लेकिन ये चीज पुरानी है तो ये फिर व्यू के साथ थोड़ी ऑड लगेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा बैलेंस रखना है स्पीच में भी, ठीक है, अभी यही नहीं है कि वही क्लास है, वही ग्रुप है, एक ही एग्जाम्पल 100 दफा देनी है, नो, चेंज लेकर आए, चेंज मेकर बने, इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, इसके लिए आपको वो जज्बा चाहिए जो आपको क्या कहते हैं मोटिवेट करेगा, ठीक है, और वो जज्बा कोई लाना मुश्किल बात नहीं है, आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि यू आर गोइंग टू बी अ पब्लिक स्पीकर, ठीक है। तो इस चीज को आप अडॉप्ट कर लें, इंशाल्लाह आप इसमें वर्किंग करोगे। मैंने बहुत सी मेरे स्टूडेंट्स रही हैं जिनको मैंने इसी फील्ड में आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे से काम करते देखा है। अच्छा, एक पब्लिक स्पीकर क्या क्या कर सकता है, ठीक है, एक पब्लिक स्पीकर सब कुछ कर सकता है। क्यों कर सकता है सब कुछ, क्योंकि हमारी जिंदगी में डीलिंग्स ही सबसे
पहली चीज है जो हम करते हैं, ठीक है। मैं अगर घर में हूँ, मुझे कुछ चाहिए, मैं बात करूंगी। मैं अगर घर से बाहर हूँ, मैं कहीं और जगह पर हूँ, तो मुझे मैं अगर वहां पर जाऊंगी, खामोशी से खड़ी रहूंगी, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बोलूँ, ये सब चीजें हमें करनी है कि हम इन चीजों को छोड़ दें। हमें जाना है, कम्युनिकेशन जरूरी है लाइफ में, हमें कम्युनिकेट करना है, हमें बात करनी है पॉजिटिव वे में, अच्छे वे में, फ्रेश माइंड के साथ, अच्छी सोच के साथ चीजों को आगे बढ़ के बढ़ाना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। ये चीज आपको खुद करनी पड़ेगी, कोई भी इंसान आपकी जगह पर आपके आपके लिए स्ट्रगल नहीं कर सकता, ठीक है। और कुछ चीजें होती है ना कि अगर हम अपनी जगह पर बहुत से लोगों के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वो चीज एक चीज सोचकर रखें अपने पास के, दूसरों के लिए स्ट्रगल करना आपको सिला नहीं देगा, ठीक है। बाकी जो चीज है कि आपको अपनी स्ट्रगल करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो आपको एक सर्कमस्टांसेस है, उनमें से गुजरना है, वो आपके लिए जरूरी है। कोई भी अगर आप जॉब कर रहे हो, वहां पर कुछ हालात हो सकते हैं, आप टीचिंग में है, वहां पर कुछ हालात और हो सकते हैं, ठीक है। हर चीज, हर जगह पर हर चीज डिफरेंट होती है, लेकिन आपको एक बैलेंस तरीके से अच्छे वे में जाना पड़ेगा। और वो सब चीजें आती है डीलिंग के साथ, अच्छी। लोग तो जुबान का भरम रख देते हैं, तो ये जुबान बहुत अहम है, ठीक है। इसको हमें बहुत अच्छे से यूज करना है इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट। एक मिनट, यहाँ पर ना अजान होने लगे, तो उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड चीज जो हम कल डिस्कस कर चुके थे वो थी एक्वायरिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है। मैंने कल आपको ये चीज तो समझा दी थी कि आपने कॉन्फिडेंस कैसे एक्वायर करना है, उसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। तो इसी तरह से कहना है कि आपने अपना जो नॉलेज है उसको अच्छे से रखना है, मतलब आपने अपना जो टॉपिक प्रिपेयर किया है, कोई भी स्पीच है, कोई असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है, उस चीज के हवाले से आपने प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। उसको आपने ये नहीं करना कि वहां जाऊंगी, मैंने अब सारा अपना पढ़ लिया है, वहां जाऊंगी, क्वेश्चन होंगे तो आई विल टैकल, नो। आपने क्वेश्चन को बनाने हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक्वायरिंग कॉन्फिडेंस बिफोर एन ऑडियंस का अब बताऊंगी, ठीक है। जो ओके, एक्वायरिंग कॉन्फिडेंस का ही सेकेंड पार्ट है, ठीक है। दोनों इंटररिलेटेड है, ठीक है। जब हम स्टेज पर जाते हैं और स्टेज पर पहुंचकर हम एक थ्रिल होता है स्टेज का, जिसको हम फेस करते हैं, ज्यादातर स्पीकर्स करते हैं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हर कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि पहले, अभी हमने आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को सीखा है और जाके बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आ जाए, ठीक है। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे से परफॉर्म हो भी जाए ना, जो दिल में चल रहा होता है वो तो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि हमने उन चीजों को कैसे फेस करना है कि देर इज There's a strange sensation often experienced in the presence of an audience. ठीक है, जब ऑडियंस प्रेजेंट होती है, सपोज एक स्टेज पर पहुंच कर आपके सामने जब इतने लोग बैठे होते हैं, सिर्फ आपको सुनने के लिए आपकी तरफ देख रहे होते हैं, तो वो चीज़ एक थ्रिल पैदा कर देती है, ठीक है। इट मे प्रोसीड फ्रॉम द गेज ऑफ मेनी आईज दैट टर्न अपॉन द स्पीकर, स्पेशली इफ ही परमिट्स हिमसेल्फ टू स्टेडिली टर्न दैट गेज। जब वो सारी ऑडियंस आपकी तरफ देख रही है ना, तो इट्स ओके, आप इधर उधर ज्यादा ना देखें, आप उनके सर पे देखें, आप उनकी आंखों में नहीं देखें, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है, तो आपको कॉन्फिडेंस को एक्वायर करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस एक्वायर करने से पहले आपको बोलते रहना है, ठीक है, उससे आपको प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट टाइम मोस्ट स्पीकर्स हैव बीन कॉन्शियस ऑफ दिस इन अ नेमलेस थ्रिल, अ रियल समथिंग पर्वेडिंग द एटमॉस्फेयर इंडिस्क्राइबेबल। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक स्टेज का थ्रिल जब फेस करना पड़ रहा है ना, आपने बोलना नहीं छोड़ना, आपने थोड़ा सा टोन को स्लो करने, लेकिन उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। जब आप उसको कंटिन्यू रखेंगे तो स्लोली स्लोली आपको उस चीज की आदत हो जाएगी और आपको एक वक्त आएगा फिर आपको नॉर्मली हैंडल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कंटिन्यूअसली आस्क, How can I overcome self-consciousness and the fear that paralyzes me before an audience? उन्होंने क्या क्वेश्चन किया है कि मतलब ज्यादातर पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स के स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन करते हैं कि हाउ मैं किस तरह से अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस को ओवरकम करूं और वो होप जो मुझे पैरालाइज कर देता है ऑडियंस के सामने, मुझे रोक देता है, उसको कैसे ओवरकम करूं, ठीक है।
अब इसकी मिसाल ले लें कि एक अगर कोई भी एनिमल है, लाइक हॉर्स है, एक हॉर्स जंगल में रहता है, उसने नहीं सुना कभी किसी गाड़ी का शोर, किसी ट्रेन का शोर, किसी भी इंजन का शोर, कोई भी कार तोड़ती उसके पास से नहीं गुजरी, वो एक पुरसकून माहौल में जंगल में दरख्तों में और ठंडी हवा में उसने रहने की उसे आदत है, ठीक है। अब वो घोड़ा वहां पर रहता है, उससे उसने कभी भी कोई धमाकेदार वाला शोर नहीं सुना, उसको आदत ही नहीं, ठीक है। वो आराम से वहां पर गुजारा था, लेकिन हमने क्या किया, हमने पकड़ के उसको लाए और दरख्तों के पीछे, कुछ दरख्त है एक जगह पर उसके दरमियान में हमने उसको बांध दिया, लेकिन उन्हीं दरख्तों की साइड से पटरी है रेल की जहाँ से ट्रेन गुजरती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा अक्सर लोगों ने देखा होता है कि ट्रेन जब गुजरती है तो बहुत शोर होता है, ठीक है। तो ये चीज है कि वो घोड़ा उस चीज का आती नहीं है, हॉर्स ने कभी ये चीज फेस की नहीं की ना सुनी है, ठीक है। तो उसको लग तो यही रहा है कि मैं दरख्तों में ही हूँ, लेकिन जब उस ट्रेन वहां से गुजरी है तो वो जो उसका एक शॉकिंग वाला स्टेज पॉइंट था ना, उसको पहली दफा बहुत अजीब लगा, दूसरी दफा भी अजीब लगा, तीसरी दफा उसने थोड़ा सा उसको अब्सॉर्ब किया, चौथी दफा फिर अब्सॉर्ब किया, पांचवी 30 सेकंड और आगे मतलब 11वीं 12वीं जितनी भी दफा आगे जाएगा ना, उसको उस चीज की आदत हो जाएगी। लेकिन यह की आदत डालनी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन हो जाता है। तो ये चीज है कि आपको अचानक से आप अपने घर में बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, आपको तकलीफ ही है आपके लिए, लेकिन अचानक से आपको इतने बड़े हॉल में ला के खड़ा करती है जहाँ पर सब लोग सिर्फ आपको सुनने के लिए बैठे हैं, तो वो चीज आपको करती है, थोड़ा सा डराती है, लेकिन हमने उसको ओवरकम करना है, हमने अपने पाँव जमाने हैं, ठीक है। हमने कोशिश करते रहना है और बोलते रहना है, ये आप सबके लिए एक एक्सपीरियंस की बेस पर आपको इस चीज से जो है ना सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमें सबको करना कैसे है, सिर्फ एक वर्ड, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इन स्पीकिंग बिफोर एन ऑडियंस विल टेंड टू रिमूव ऑल फियर ऑफ ऑडियंसेस, जस्ट एज प्रैक्टिस इन स्विमिंग विल लीड टू कॉन्फिडेंस एंड फैसिलिटी इन द वाटर, ठीक है। अब आपको स्विमिंग करनी है, आपको स्विमिंग नहीं आती, आप क्या बहिरा यार अपने क्या कहते हैं उसको बड़े समुद्र में जाके तो नहीं तैराकी करना शुरू कर देंगे, आप स्मॉल चीज से स्टार्ट करेंगे, कुछ जैसे कुछ लोगों से हम बोलना शुरू करेंगे तो हम आगे जाएंगे, उसी तरह हम थोड़े पानी में तैरना शुरू करेंगे तो हमें तैराकी आएगी, फिर हम किसी भी चाहे समुद्र में जाके फिर तैर लें, ठीक है। आपको क्या करना है, यू मस्ट लर्न टू स्पीक बाय स्पीकिंग, आपको सीखना कैसे है स्पीकिंग से, आपने बोलना है तो आपको बोलना आना है, ठीक है। द अपोस्टल पॉल टेल्स अस दैट एवरी मैन मस्ट वर्क आउट हिज ओन सेल्वेशन, ऑल यू कैन डू हियर इज टू ऑफर यू सजेशंस एज टू हाउ बेस्ट प्रिपेयर फॉर योर प्लंज, ठीक है। हम सब आपको क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन आपको ये सब आएगा कैसे, जो हम आपको करवा रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। द रियल प्लंज नो वन कैन टेक फॉर यू, आपके लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग आ जाए इसके लिए किसी और ने स्टेप नहीं लेना, इसके लिए सिर्फ आपने स्टेप लेना है, और डॉक्टर मे प्रेस्क्राइब बट यू मस्ट टेक द मेडिसिन, डॉक्टर ने जब दवाई लिख दी है तो आपको आराम नहीं आ जाएगा, आपको दवाई खानी पड़ेगी फिर आराम आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही हों, क्योंकि मैं छोटी छोटी एग्जांपल से समझा रही हूँ, कोई बड़ी ये रॉकेट साइंस भी नहीं है कि जो है ना ये मुश्किल चीज है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डू नॉट बी डिसहार्टेंड इफ एट फर्स्ट यू सफर फ्रॉम स्टेज फ्राइट, आपको पहली दफा स्टेज फ्राइट आपने फेस किया है, स्टेज पर गए आपको हो पाया, आपको लगाया कि नहीं ये नहीं होगा, तो आपने उस चीज को ये नहीं समझना कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, आपने खुद को समझाना है कि यू कैन डू इट, जब सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है,
the higher we go in the scale of life, the greater is capacity for suffering. हम पहले छोटे स्केल से शुरू करेंगे ना तो हमें वो इजी लगेगा, ठीक है? हम पांच लोगों के सामने बोल रहे हैं इजी है, वो दस हो गए, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ठीक है। वही 20 से 30 से 40 से 50 हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब हम हायर चीज की तरफ जाएंगे तो हमारा टेम्परामेंट भी हाई होना चाहिए, हमें अपना पैशन भी मुसलसल हाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो लास्ट पर ये चीज है कि आपका सपोर्ट सिस्टम भी आप खुद हैं, आपकी स्ट्रेंथ भी आप खुद हैं, आपके मोटिवेटर भी आप खुद हैं, और अगर आपको स्पीकर बनना है ना तो खुद के लिए वर्क करो, खुद को वर्क दो। ये चीजें जो है आपको प्रैक्टिस से आनी है, इसके अलावा नहीं आ सकती, ठीक है? जस्ट अ मिनट, मैं नेक्स्ट स्लाइड को ओपन कर लूं। नेक्स्ट जो हमने करना है वो सिंपल यही है कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन करें, ठीक है? क्वेश्चन करें और उसके बाद मैं आपको जो भी आपके क्वेश्चन है उनको आंसर करती हूँ, और फिर लास्ट में मैं फीडबैक लूंगी जो आप सबने वॉइस नोट्स भेजे, ठीक है? अभी के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में आपको दो चीजें बताई जाएंगी, मोनोटोनस इन योर स्पीच, उसको कैसे हमने ओवरकम करना है। मोनोटोनी होती है एक ही टोन में चलते रहना, ठीक है? जैसे मैं अभी बोलूंगी, जैसे मैं अभी बात करूंगी ना तो मेरी बात में मेरी फीलिंग्स का इजहार नहीं होगा, जैसे मैं रोबोट बोलते हैं ना उस तरह से। तो वो हमने कैसे ओवरकम करना ये चीज़, ठीक है? ये बहुत बड़ा कहा जाता है आटा पब्लिक स्पीकिंग में जो सबसे बड़ा गुनाह है ना वो मोनोटोनी है, ठीक है? वो हमने नहीं करना इंशाल्लाह, उसके लिए मैं इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगी। तो उसके बाद आपको अपनी वॉइस पर कैसे काम करना है वो भी बताऊंगी, वॉइस स्पीच और मोनोटोनी, तीन चीज़ें हम कल नहीं क्वेश्चन लेक्चर है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब जिन्होंने हैंड रेस किया वो अपना क्वेश्चन बताइए। आई थिंक यहाँ से आयशा नेम था उनका जिन्होंने हैंड रेस किया। जी जी, अच्छा तो मैं मुझे ये पूछना था कि हम लाइव यानी कि किसी कॉल पे हम बात कर रहे हैं या फिर किसी सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, तो उसमें हम अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या जरूरी है फेस टू फेस हम अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करें? इससे भी हो सकता है ना कि हम लाइव जाते हैं यानी कि ऑडियो लाइव जाते हैं अपने कॉन्फिडेंस। देखिए जरूर, जी जी मुझे समझ आ गया, मैं बता रही हूँ। जो फेस टू फेस चीज है ना वो परफेक्ट है, ठीक है? लेकिन लाइव जाके या फिर कॉल पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी स्पीच वॉइस जा रही है, हमारे एक्सप्रेशन नहीं जा रहे, हमारा जेस्चर नहीं जा रहा, हमारा बॉडी लैंग्वेज नहीं किसी को दिख रही, सिर्फ वॉइस जा रही है। ये बहुत आसान चीज़ है कम्युनिकेशन में के लिए, बहुत आसान है कि आप अपनी अल्फाज पर से खेल लो तो वो जो है ना चल जाएगा। लेकिन ये है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है ना तो ये ऑनलाइन कुछ नहीं होना, आपको पब्लिक के सामने बोलना है, वो एक सेपरेट चीज़ है। अच्छा ऑनलाइन क्या होता है कि हम वॉइस को चेंजिंग करने की प्रैक्टिस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको सब कुछ बताऊंगी, वो सारी चीज़ें होंगी, वो पब्लिक के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनको आप ऑनलाइन से आप अपनी आवाज़ को भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन बोला है कि पूछा है कि जो है मतलब ऑनलाइन हम उसको कर लें और फिजिकली ना करें, तो ये चीज़ है कि जो कॉन्फिडेंस आपको मेरे सामने बैठ के बोलने में आएगा ना वो मुझसे अभी आप बात कर रही हैं तो वैसे नहीं आएगा। मे भी मैं अगर अपने टीचर से ऑनलाइन बात कर रही हूँ ना तो मैं आराम से मैम ये बता दें इस तरह से कह के मैं खामोश हो गई हूँ,
अब वो जो टीचर मुझे बता रही है मैंने आगे से कैसे रिस्पॉन्ड करना है, फिर अगर क्वेश्चन है तो उसको कैसे मैम से पूछना है, वो सारी चीजें आती हैं, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, ये सारी चीजें, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, इस चीज को हम फेस टू फेस ही कर सकते हैं, ठीक है। और हम आई थिंक हम सोशल एनिमल हैं तो हमें फेस टू फेस ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन है जी, मैं यह कह जब स्टेज पे जाना होता है या कोई क्वेश्चन करना होता है ना तो दिल बहुत ज्यादा धड़कने लग जाता है, आवाज वाइब्रेट होने लग जाती है, अभी भी जैसे हो रही है थोड़ी थोड़ी, ऐसा क्यों? हालांकि मुझे तकरीबन कितना अच्छा हो गया ये करते हुए काम, लेकिन मैं अगर आपके सामने बोल भी रही हूँ तो मैंने उससे पहले अभी भी आज भी प्रैक्टिस किया है बोलने की। कोई भी टॉपिक है, कोई भी लाइन है, उसको प्रेस करने का, बोलने का एक अलग अंदाज होता है जिसको आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस इज मस्ट, आपको प्रैक्टिस करनी है। एक चीज होती है जब हम स्टेज पर जा रहे होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें नहीं समझ आ रहा होता कि हम मुझे पता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी आवाज लड़खड़ाती है और ये सब चीजें होती हैं, ये इसलिए होती हैं क्योंकि हम दूसरों को ना बहुत कुछ समझ लेते हैं, ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब तो बहुत हमने ये चीज नहीं करनी, वो भी वही है मैं भी वही हूँ, मतलब हमें बस कम्युनिकेट करना है, ठीक है। इससे ज्यादा जो है ना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी बात अगले को समझानी है, अगले को समझ आएगी जब आप आसान से बनाए रखें करती रहे प्रैक्टिस, तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि आपको किस चीज पर कुछ ज्यादा फोकस करना है, अपनी आवाज पर फोकस करना है या आपको अपने जो है जेस्चर्स पर ज्यादा फोकस करना है या एक्सप्रेशन पर, ये सब चीजें नोट की जाती हैं बहुत, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मस्ट, उसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा और आई थिंक खुद के लिए वक्त निकालना कोई बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी रिदा जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा क्वेश्चन था आपसे कि मेरा अक्सर ये होता है कि मैं एज अ स्टूडेंट मतलब अपने स्टूडेंट्स वगैरह के सामने, क्लास के सामने, चाहे वो जिस भी लेवल के स्टूडेंट्स हों, मैं उनके आगे बात कर लेती हूँ, उनको अपनी बात समझा लेती हूँ, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं घर में अपने लिए नहीं बोल सकती, मुझे डर लगता है मतलब कि कोई क्या कह देगा, कोई मुझे और अगर मुझे मैं कोई बात करूं और मुझे उस पर कोई कह दे कि नहीं ये तुम नहीं कर सकती, जबकि मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई ये बात कह देता है तो मेरे मतलब वो बात मेरे अंदर आ जाती है कि हाँ मैं नहीं कर सकती, और फिर मैं वाकई में वो नहीं कर पाती। इसके अलावा अगर मुझे कोई ये कह दे कि तुम ये कर लोगी और मैं ये ना कर सकती हूँ तो फिर इसका क्या होगा, मुझे अगर बता देती। अगर ये चीज जो होती है ना कि जब कोई हमें कह देता है ना कि तुमने ये नहीं कर सकती, हम उसके सोच पर चलना शुरू कर देते हैं, जो आप कर सकती है ना वो आप अगर खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, खुद पर भरोसा रखें तो आप कर लेंगी। अच्छा घर में मैं खुद के लिए नहीं बोल सकती, इसका आंसर ये है कि आप खुद को निग्लेक्ट कर रही हैं, ठीक है। आपका जो वो चीज़ है ना कि मतलब आप एक इंसान है और आपकी फीलिंग्स को जो है इम्पावर करना है आपने, अपनी थॉट्स को इम्पावर करना है, आप वो चीज़ आपको थोड़ा सा स्लो हो मे भी हो, क्यों? क्योंकि जब आप अपने डिसीजन पर मे भी जो आपके डिसीजन लेती हैं और जिस पर बात करनी होती है, आप मे भी उस पर आप कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर आपको उसमें थोड़ा सा रहता है कि मे भी ये ठीक ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आप कर सकती हैं, शो दें, उनको एक दफ़ा करके दिखाएं, ये नहीं कह रही कि उनके खिलाफ चली जाएं, उनसे लड़े झगड़े नहीं, उनको एक दफ़ा आराम से बिठा के कहेंगे कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैं ये कर लेती हूँ तो एक दफ़ा आप मुझे करने दें या ऐसा मुझे मुझसे सुन लें या मेरी बात सुन लें, तो उसमें कोई भी मुजायका नहीं है कि अगर भी आप 5 मिनट मेरे लिए निकाल लें या मेरी बात सुन के मुझे थोड़ी सी अहमियत दे दें तो ये चीज़ बुरी नहीं है। लेकिन यह है कि अगर कोई आपको ये कह रहा है किसी भी चीज़ की बेस पर कि तुमसे ये नहीं होगा, तो उनको कहें कि काइंडली मुझे फिर मतलब फिर अगर मुझसे कुछ भी नहीं होगा या फिर किसी ने सोच लिया आपके बारे में कि तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तुम रहने दो, तुम निकल जाओ, ये चीज़ है वो चीज़, तो आप उनको शो करवाएं कि यू कैन डू इट, यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन यह कि खुद पर भरोसा रखें। फिर जब आपको कोई कह रहा है कि आप नहीं कर सकते तो फिर आप खुद को ये नहीं दें,
यस मैम ठीक है। तो आप उसको ये नहीं कहेंगी आप नहीं कर पाएंगी, आप कर सकती हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट आयशा जी। मैम मैंने ये पूछना था कि अगर आपको यानी कि पब्लिक के सामने कोई मौका ना मिले बोलने का, तो उस पर यानी कि ऐसी कोई जगह मिले या कोई चीज़ मिले तो कि आपको भी मौका मिले सामने आने का, तो ये कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप 4 लोगों में बैठे हों या 10 लोगों में बैठे हों तो आपकी बात कोई वैल्यू, यानी कि कोई बंदा आपकी बात को वैल्यू नहीं दे रहा, आपकी बात को बिल्कुल जो है ना इग्नोर किया जा रहा है, आप जो बोल रहे हैं आपकी आवाज़ को ना वहीं पे बिल्कुल खत्म कर दी जाती है, तो इस पर क्या करना चाहिए। ओके आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन ना सेल्फ ग्रूमिंग पर हैं, ठीक है। तो सेल्फ ग्रूमिंग वैसे हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि खुद को वैल्यूएबल बनाना पड़ता है, ठीक है। कोई भी नहीं कह देगा कि तुम सब कुछ हो, तुम्हें सब कुछ हो, तुम सब कर सकती हो, तुम जो हो ना परफेक्ट हो, या कोई नहीं कहेगा। आपको ये शो करवाना पड़ेगा, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पर वर्क करें। अपनी ये जो क्वेश्चन है ना सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ जाते हैं, और सेल्फ ग्रूमिंग ऐसी होती है जब आप उसको टाइम देते हो, अपने थॉट्स को एम्पावर करते हो। थॉट्स को एम्पावर करने के बाद आपका जो स्पीच है, आपकी जो बात है, उसको कोई ना कोई पावर भी तो होनी चाहिए ना, या फिर वो आप इस अंदाज से करें कि अगले को लगे कि यस यू कैन डू दिस और दिस, कुछ भी जो भी क्वेश्चन है जो भी बात हो, ठीक है। लेकिन ये है कि कोई भी आपको ये क्या क्वेश्चन था आपका कि मुझे कोई भी मतलब वैल्यू नहीं करता आपको चाहिए जी। तो जो कोई अगर वैल्यू नहीं कर रहा तो जरूरी नहीं है जो वैल्यू नहीं कर रहा हम उसके आगे पीछे घूमते रहे। हमारे पास यहाँ पर जो है ना बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम हर किसी को नहीं समझा सकते, मे बी वो उनकी समझ में नहीं आती या फिर आप उनकी समझ में नहीं आती। तो जो बात जिसको समझानी है ना, ये भी आपने अपना तय्यून करना है इसका, ठीक है। और अगले की पर्सनैलिटी को देख कर बात करनी पड़ती है। तो जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, आपको उस पर वर्क करना है पहले, आपको एक पर्सनैलिटी मेंटेन रखनी है अपनी, ठीक है। तो फिर आप दूसरों की पर्सनैलिटी को, जब आप अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करते रहोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किसी की क्या पर्सनैलिटी है। आपको उसको देख कर उसके बाद सुनकर समझ आ जाएगा कि मतलब उस पर्सनैलिटी किस टाइप की है। तो ये चीज़ है, आपको अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से भी फोकस में रखना है उसको, लेकिन दूसरों की पर्सनैलिटी को देख कर उनसे बात करें, ठीक है जी। रिदा अभी तक मेरी बात कंटिन्यू है, तो मैं ये कह रही थी कि मैडम वहाँ पे ना आप लोगों की बात नहीं कर रही, वहाँ पे एज अ प्रोफेशन अगर आपके सामने आपके प्रिंसिपल खड़ी है तो आपको आपके वो बात समझ में नहीं आ रही, वो आप बात यानी कि उनको समझाना चाह रही हैं, वो सुन रही हैं आपकी बात को ना इग्नोर कर रही हैं, वो आपकी बात को वैल्यू नहीं दे रही, आपकी बात को इग्नोर कर रही है और कह रही है कि साहब मुझे समझ में नहीं आ रही। तो आप अपना सजेशन उसके सामने बयान करेंगे कि ये मुझे करना है, तब बाद में आप ये करेंगे तो वो दोबारा उस बात में ना बाद में तवज्जो देंगे कि आपने ये क्यों किया, कैसे किया, किसी को किया, ये बातें ना सारी आ जाती हैं फिर सामने। इस तरह से किसी भी इंसान के सामने कहीं पर भी यानी कि ऐसी सिचुएशन जो है ना क्रिएट होती है। लेकिन यह है कि अगर प्रिंसिपल के सामने अपना कोई आप मुद्दा बयान कर रही हैं और वो आपको इग्नोर कर रही है, तो सिंपल है, वो आपको मतलब जो इंसान की कदर करनी होती है वो नहीं कर रही, मतलब ये तो फिर उनकी है ना, ये फिर उनकी आपको इग्नोर करना उनका किसी जेलिसी की वजह से हो सकता है, किसी बोलिज्म की वजह से हो सकता है, तो फिर वो एक अलग सिनेरियो में चला जाएगा। लेकिन आप अच्छे से बयान कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो ना, तो वो ओके है। आपकी बातें काट रही हूँ बीच में, मेरा ये है कि मैं अमलन करके दिखाती हूँ, मैं लफ्जों में यानी कि वहाँ पे ना लफ्जों की हेरा फेरी करके नहीं बताती, जो मुझ में एबिलिटी है वो मैं अमलन करके दिखाती हूँ, अपने काम के जरिए मैं लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि जहाँ पे मुझे बोलना होता है ना वहाँ पे मैं बोलती हूँ, जहाँ पे मुझे अपने काम के जरिए दिखानी है ना कोई चीज तो मैं अपने काम के जरिए दिखाती हूँ। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो यही यानी कि जो अस्बाब है मैंने आपको बताई है कि इग्नोर की जाती है, तो वहीं पर इंसान क्या होता है मोटिवेशन होता है, तो इससे इंसान का ना बहुत हो जाता है। मे बी अगला अपनी अना की वजह से एक्सप्रेस ना करें या कुछ भी हो, लेकिन यह है कि अपने बिहेवियर को उस इंसान के बिहेवियर जैसा नहीं बनाए, वही वो भी उसे सीढ़ी पे खड़ा हो जाएगा, आप भी उसे सीढ़ी पे खड़ा हो जाएंगे, तो ये चीज है।
नेक्स्ट किसी ने हैंड रेज किया था? क्या कोई क्वेश्चन नहीं है? यहाँ पर एक यही रिसेंटली क्वेश्चन हुआ है कि अगर आपने प्रिंसिपल के सामने बात करते हैं और वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो उन्होंने बाद में एक चीज़ ऐड की जो कि उन्होंने पहले क्वेश्चन में ऐड नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं अमल करके दिखाती हूँ, सिर्फ बोलती नहीं हूँ। तो ऐसा होता है कि हमें ना स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। हम अभी स्टूडेंट हैं, अगर जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी प्रिंसिपल की बात कर रही हैं, तो आप डायरेक्ट करती हैं ना, ये चीज़ उन लोगों को इरिटेट करती होगी। आप पहले उनसे परमिशन लें, एक तरह से उनसे पहले बात करें कि मैम मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ और इस तरह से करना चाहती हूँ। आप अपना बात करने का अंदाज, अपनी बात को रखने का कोई अंदाज रखें ना, लाइक अथेंटिक बात हो, अगला बंदा मतलब समझ भी सके कि आप क्या कहना चाह रही हैं, तो देन वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे। मतलब थोड़ा सा ना अपने अंदर ना ये चीज़ें पैदा करें कि आप पेशेंस पैदा करें सबसे पहले। तो मतलब ये मुझे पेशेंस की कमी लग रही है कि डायरेक्ट बस काम कर देना है। हौसले से वही काम होता है, हौसले से। ऐसे नहीं एकदम नहीं सारा कुछ हो जाता कि हम एकदम से सब कुछ कर दें, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अगर आप दो सीढ़ियाँ छोड़कर तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने लगेंगे ना, तो आप डायरेक्ट नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो हो भी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है ना बाद में ऊपर जा ही ना सकें, हड्डी टूट गई फिर। तो आपने जो है ना पहले अपने अंदर पेशेंस पैदा करें, इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखें और स्टेप बाय स्टेप चलें। डायरेक्ट नहीं कोई भी काम करते, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब आपको आई होप के क्लियर हो गया होगा कि आपका आंसर मिल गया होगा आपको। सॉरी मिस फ्रीहा, वो एक्चुअली मुझे आंसर आया तो मैंने सोचा कि मैं बता दूं। आई होप आपने माइंड नहीं किया होगा। नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा, वो आपने बता दिया, आई थिंक क्लियर हो गई होंगी सब चीज़ें आपको। अब अगर किसी से क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर दें, और जो नेक्स्ट फीडबैक जो देना है आपके वॉइस नोट का, वो कुछ ने मुझे पर्सनली भेज दिया था, उसने मुझे ग्रुप में कुछ ने भेजा, ठीक है, सबका मैंने सुना। तो आप सबके पास नॉलेज भी है एक चीज़ की, आप सबके पास जो है वो प्लेटफॉर्म भी है बोलने का, लेकिन जिस चीज़ की कमी थी ना, वो थी आपकी वॉइस। ठीक है वॉइस ये नहीं कि आप बोल नहीं रहे थे, आप बोल रहे थे, लेकिन उसमें फीलिंग्स थी, हो रही थी, मतलब वो एक उतार चढ़ाव जो कहते हैं ना, रब्त वो नहीं था। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको सिखा दिया जाएगा, उसके बाद आपका वॉइस नोट इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर होगा। और नेक्स्ट लेक्चर से पहले, मतलब परसों लेक्चर है ना, तो कल शाम तक जो है ना आपने अपना प्रिपेयर करके वॉइस नोट भेज देना है ग्रुप में। और टॉपिक होगा उसका आर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, इसमें ज़्यादा फीलिंग पर लिख बात नहीं आएगी, ठीक है, फैमिली तो भी एक ऐसी चीज़ थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है जिस पर आपने वॉइस नोट भेजना है, वो है आर एजुकेशन सिस्टम। और मैंने देखा था कि बहुत ही कम बच्चों ने आज से ज़्यादा अटेंडेंस फर्स्ट सर्टिफिकेट, तो बहुत ही कम बच्चों ने अपना दिया था, वॉइस नोट भेजा था। तो ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कैसा होता है, अगर ग्रुप में 100 बच्चे हैं ना, तो उनमें से 50 ग्रुप सुनेंगे लेक्चर, 50 में से 25 ने थोड़ा सा सीरियस सुन लिया होगा, और 25 में से 5 या 10 मैक्सिमम, बहुत ही ज़्यादा हो गया तो 10 लोगों ने उसको लेकर चलने होंगे। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन ये है कि आप लोग जब एक जगह पर आए हो, टाइम भी दे रहे हो, मीटिंग ज्वाइन की है, सुन भी रहे हो, आई डोंट नो आप सब सुन रहे हैं नहीं, लेकिन सुन भी रहे हो ना आप, तो उस चीज़ को अडॉप्ट करो, उस चीज़ को लेकर चलो कि आपको नहीं पता कि आपकी मोबिलिटी है जो आपको नेक्स्ट बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखा करें, और नेक्स्ट वॉइस नोट्स का मुझे वेट रहेगा। और सेंड किया है यहाँ पर 3 लोगों ने, रिदा नज़र आ रही है मुझे, जवेरिया ने किया था, उन्होंने डाउन कर लिया, जी रिदा
यस मैम, मैंने कल का लेक्चर जो था वो जो आपने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मेरा ये इशू था कि मेरा सिग्नल्स का मसला था, तो मैंने बाद में सर असद जो थे उनको बोला था, तो उन्होंने अगले दिन जाके तो तब तक सारी अपना वॉइस नोट भेज चुकी थी, तो तब इसलिए फिर बाद में प्राइवेसी हो गई थी, लग गई थी, तो मैं फिर अपना तब नहीं कर सकी, तो आज इंशाल्लाह मैं कर दूँगी, कल वाला भी कर दूँगी। ओके और उससे भी मैंने स्क्रॉल किया था लेकिन एंड पे आके बस ये लास्ट टाइम नहीं, तो पूरा दिन आज मैंने माशाल्लाह गुस्सा नहीं किया। ओके गुड जी। हफीजा कुछ कहना चाह रही है? हफीजा आपके पास क्वेश्चन है कि मैं ना किसी को कोई बात कह देती हूँ तो घर तो सोचती रहती हूँ उसके बाद कहने के बाद कि ऐसे नहीं कहनी चाहिए थी, वैसे नहीं था, इस तरह मतलब बहुत सोचती रहती हूँ, तो बोलती हूँ छोड़ो, लेकिन फिर सोचती रहती हूँ ऐसा बोल रही थी, ऐसा होता है मतलब अक्सर मेरे साथ। जी अक्सर ऐसे ना हो जाता है, कभी हम कुछ बोल देते हैं तो बाद में लिखनी है कि एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, आप तीसरी दफा सोच कर बोलें, बोलने से पहले सोचते। मैंने कहा ना आपका माइंड प्रिपेयर और फ्रेश होना चाहिए, आपको वो फ्रेश रखना है अपना माइंड भी और अपनी थॉट्स को भी, ठीक है, थोड़ा सा इंक्वायर करने की कोशिश करें और ये देखें कि ये जो चीज आप बोलने जा रहे हो वो कोई आपको कहेगा तो आप क्या फील करोगे, थोड़ा सा चीजों को देखें। बताइए काफी चीजें सडन हो जाती है तो उसका दिल के लगा से नहीं बैठ जाते, सीख जाते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं करना, ठीक है जी। आपको पूछना चाह रही है या वैसे ही माइक ऑन हो गया? नो मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम पूछना चाह रही हूँ कि मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस भी होता है, नॉलेज भी होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है, लेकिन हमारे पास वर्ड्स नहीं, मतलब हमारे साथ कंपटीशन में जो लोग मतलब होते हैं वो लोग वही वर्ड्स सेम यूज कर रहे होते हैं, तो मतलब सेम वर्ड्स तो वर्डों से पता करते हैं ना, तो हम यूनिक वर्ड्स कैसे ले आए? यूनिक वर्ड्स और बहुत आला आला वर्ड्स लाने की जरूरत ही नहीं है, अपनी लैंग्वेज को अपनी बात को सिंपल रखें, इतनी सिंपल के एक जो जैसे मैं अभी उर्दू बोल रही हूँ, उर्दू तो समझ आती है ना एक पढ़े लिखे को भी, जो अनपढ़ है उसको भी, अपनी आवाज़ को थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत होती है वहाँ पर, जहाँ पर आपको लग रहा होता है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जो दूसरे लोग हैं वो मुझसे आगे निकल जाएंगे या फिर मैं उस चीज़ उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस तरह से मेरे दूसरे कंटेस्टेंट कर रहे हैं, तो आपको अपनी वॉइस पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको वॉइस पर बता दिया जाएगा कि आपने अच्छा वॉइस को चेंज करने का कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, उसमें सिर्फ आपको लिस्टिंग का प्रोसेस बहुत बेहतर करना है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट में आपको सैम्पल्स के साथ समझा दूंगी और प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह उसको, ठीक है। वो आई थिंक मुझे आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना वॉइस मॉड्यूलेशन वाला लगता है, तो आपको मजा आएगा नेक्स्ट करने के लिए, ठीक है इंशाल्लाह जी। गुड थैंक यू रिदा दी इस पार्ट के लिए। नेक्स्ट किससे कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मुझे आवाज आ रही है आपकी क्लियर? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाफिजा। जी हाफिजा। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके सो एनी अदर क्वेश्चन फिर हम मिट को एंड कर देते हैं। मैम मुझे एक बात पूछनी थी कि हम वॉइस करेंगे ग्रुप में, यानी कि जो टास्क हमें मिलेगी तो वो करेंगे वॉइस से, तो मैडम मेरे पास ना टाइम की जो है थोड़ी प्रॉब्लम है टाइम के हवाले से, तो मैं 6:30 तक या 7:45 तक कर लो अपने वॉइस ग्रुप में।
अब ये टीम बताएगी आपको, लेकिन ये है कि टीम के साथ चलना पड़ता है और अपना टाइम मैनेज अच्छा एक वॉइस नोट भेजना है 1.5 से 2 मिनट का, तो आई थिंक 24 घंटों में आप अपने लिए 2 मिनट नहीं निकाल सकते, तो आपको एक्सपेक्टिव वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि टीम आपको बेहतर बता सकती है कि कब भेजना है, वैसे कल ही भेजना होगा, आप रिकॉर्ड करके अपने पास रख लें, जैसे ही ग्रुप की सेटिंग ऑन हो तो आप भेज। मैं ये कह रही हूँ कि यानी कि मैं डे टू डे भेजूंगी, यानी कि जिस दिन को मुझे कोई भी टास्क मिले मैं वो भेजूंगी, लेकिन मेरे जो ना जॉब की टाइमिंग ऐसी कि 11:30 से 5:30 बजे तक मैं घर पर मौजूद नहीं होती, तो ड्यूटी पे जब मैं होती हूँ जॉब पे तो मुझे मोबाइल जो है ना यूज़ करना का टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं घर आती हूँ 5:30 बज जाते हैं, तो उसमें मेरे नमाज ये पे किचन वगैरह के जो टाइमिंग होती है ना तो इसमें चला जाता है, तो इस वजह से मैं कह रही थी कि 6:30 या 7:45 बजे तक मैं कर लेती हूँ वॉइस, यानी कि उसी दिन करूँगी। जी जी ठीक है, आप कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं है, कर सकती जी, कर सकती हैं। ओके थैंक यू, ओके थैंक यू जी। अगर किसको ज्यादा मसला आए और वो उनका रह जाए तो मुझे इनबॉक्स में भेज दीजिएगा, ठीक है, रिप्लाई नहीं करूंगी लेकिन बता जरूर दूंगी। ओके जी, हफीजा जी पूछिए। लेकिन बाद में बुरा फील होता है, बोल दूँ लेकिन मैं जब तक अगले बंदे से सॉरी ना बोल दूँ वो मुझे माफ करे या ना करे, मतलब वो रिस्पॉन्स करे या ना करे, मतलब वो जैसा भी कहे, लेकिन मैं जब तक उसको सॉरी नहीं बोलती हूँ मुझे गिल्टी फील होती रहती है कि मैंने हाय उसको ऐसा क्यों बोल दिया, बेशक उस अगले बंदे की ही गलती ना हो, गलती क्यों ना हो। तो मैं ये ठीक है, ये आप बंदे को सॉरी कर देनी चाहिए, बेशक हमका बंदा या मतलब नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर आपको लगता है कि सॉरी जो है वो आपको करना है तो कर दें, इजीली कर दें, लेकिन जहाँ पर ये होता है ना कि आप कह रही हैं कि मेरी गलती नहीं है फिर मैं सॉरी कर दूंगी, लेकिन अगले इंसान को अगर एहसास नहीं है तो उस इंसान का एहसास करने का फायदा नहीं है, आप उसको समझाओ, आप उसको लीनियंसी के साथ समझाओ, अगर नहीं समझता तो उसको पूछते हैं कि उससे हाल पर छोड़ दो, इंसान है उसको समझ पूछ है होते ही उसको पता चल जाएगा, लेकिन यह है कि जहाँ तक आप चीज़ों को बेहतर करने के लिए काम कर सकते हो करो। ओके तो नेक्स्ट रिमशा आप मीटिंग को एंड कर दें, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स सॉरी क्लास में क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे, ठीक है। जी मैम ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया, स्टूडेंट्स मैम भी बहुत बिजी होती हैं लेकिन उन्होंने अपना हमें टाइम दिया है, तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि जो आपको टास्क दिया जाए आप उसे कंप्लीट किया करें। मैम हमारे साथ ऑलमोस्ट 1 घंटा आप लोगों को देती हैं, आप लोग 1 से 2 मिनट काइंडली अपने दिया करें, अपना टाइम निकाल कर बहुत मेहनत कर रही हैं वो आप पर, तो आप लोगों को जो टास्क दिया जाए कोशिश किया करें कि उसे ज़रूर पूरा किया करें आप लोग, ये आप लोगों की ही लिए है और आप लोग अगर इसे पूरा करेंगे तो इसका फ़ायदा आप लोगों को ही मिलेगा। थैंक यू सो मच, मीटिंग एंड हो गई है, आप लोग लीव भी कर सकते हैं अगर आप लोगों की कोई बात है टीम के लिए अगर कोई बात है तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके थैंक यू रमशा, थैंक यू आपकी टीम का, सबने बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं और सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। किसी का कोई टीम के लिए कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज आप लीव कर दें, मीटिंग एंड हो गई है।
थैंक यू मिस अमरीन अमरीन अमरीन।